Zafar Estate, welcome to channel, subscribe if you need any kind of property. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Viewers, आज आपके लिए जफर रियल स्टेट वाले लेके आए हैं दरिया गली में 6 मरले का अपार्टमेंट फर्निश, और इसके ऊपर ये कुछ और लोग हैं उनका है, और नीचे वाला ये फर्निश अपार्टमेंट है, और ये मेरे सामने देखें ये गाड़ी का गैराज है, और ये रास्ते का थोड़ा सा इशू था तो ये रास्ते में ये देखें लगे हुए हैं, वो गाड़ी खड़ी है सामने और ये नीचे तक गाड़ियाँ जाती हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करा देता हूँ। ये देखिए सारे लोगों के ये गाड़ियों के लिए ये गैराज वगैरह इन्होंने गैराज बनाए हुए हैं, और गाड़ियाँ ये नीचे तक जाती हैं सारी। ये देखें जी, तो नीचे बहुत सोसाइटी है, तो ये इलाके का मैं विज़िट कराता हूँ। तो ये रास्ता जो है ये खोल रहे हैं, तो ये जब तक आप लेंगे तो ये सर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो गाड़ी मैंने सामने अपनी खड़ी की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये गाड़ी मैंने खड़ी की है, और अब आपको मैं विज़िट कराता हूँ। तो ये गाड़ी के गैराज के साथ 6 मरले का तकरीबन अपार्टमेंट है और फर्निश है। ये आपको इंशाल्लाह ताला जफर रियल एस्टेट वाले लेके देंगे जी। तो ये आपकी बड़ी गाड़ी का गैराज है, और 2 गाड़ियाँ भी हो जाएं तो एक गाड़ी बाहर खड़ी हो जाएगी। तो ये आपको ये इंट्री, इसकी एंट्री डोर है, तो लाइट इस वक्त यहाँ गई हुई है, तो लाइट के बगैर वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये इसका टीवी ट्रॉली वगैरह है, बेटे आप इधर आ जाए, इधर एक मिनट बाहर आ जाए। तो ये जी बहुत इन्होंने वेल कंडीशन में ये अपार्टमेंट, ये तकरीबन 6 मरले का अपार्टमेंट है, और ये विद फर्नीचर वगैरह इन्होंने बहुत सेट किया हुआ है, और बड़ा खूबसूरत अपार्टमेंट है। और अभी लाइट नहीं है, लाइट के बगैर आप देखें कि आपको सारा घर जो है वो रोशन नज़र आएगा। और इसके साथ ये देखें, ये ओपन इन्होंने किचन दिया हुआ है, और ये बहुत बड़ा टीवी लाउंज है, और ये सारे इसके नज़ारे हैं, अभी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको एंड पे। तो ये देखें जी, ये स्टोरेज है, और ये फ्रिज वगैरह इन्होंने रखा हुआ है, और गैस है यहाँ पे भाई, गैस का मीटर लगा हुआ है ना, गैस का मीटर लगा हुआ है एहतियातन, उन्होंने ये सिलेंडर वगैरह भी रखा हुआ है, तो गैस का मीटर अपना है जी, जाती लगा हुआ। और ये आप देखें कि ये एक बेडरूम है, और बहुत खूबसूरत बेडरूम है, और काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, और ये पर्दे के पीछे ये गैराज वाली वो वेंटिलेशन है, और ये साथ सोफ़ा सीटिंग के लिए दिया हुआ है, और ये स्टोरेज रखी है, और ये एक टीवी रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और ये इसका वॉशरूम है। काफ़ी बड़े साइज़ का ये वॉशरूम है जी, और ये इसकी वेंटिलेशन वगैरह है, और यहाँ भी ये पानी गर्म करने के लिए इन्होंने लाइट पे इमरजेंसी, तो यहाँ भी पॉइंट दिया हुआ है, और छोटा सा ये पानी गर्म करने वाला लगाया हुआ। और इसके साथ आगे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं जी। ये बेड नंबर 1 था, और मेरे ख्याल 3 बेड का ये घर है, और इसके बाद ये गैराज से यहाँ से हम हमारी इंट्री है, और यहाँ से इन होते ही ये टीवी लॉन्च के साथ एक ये बेड जो है ये लगा हुआ, इसका भी वही सेम है, ये स्टोरेज है, और ये बेड लगा हुआ है। और इसके साथ आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा। ये देखें जी, ये पीछे इसकी वेंटिलेशन है, ये मोटरसाइकिल बीच में नहीं होगा जी ये मेरे ख्याल उनका है किसी का। तो ये इस्त्री टेबल वगैरह इसमें, ये अलमारी वगैरह भी दी हुई है, तो इसकी जो डिमांड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और नीचे ये टाइल वगैरह लगाई हुई है इन्होंने, और ये बहुत बड़े साइज का वॉशरूम है,
ये देखिए जी, बहुत बिग साइज है इसका। एक वॉशरूम वो दिखाया था, एक वॉशरूम ये है, और इधर से इसका एग्जॉस्ट है, वेंटिलेशन है तकरीबन। ये इस साइड से इसकी वो गली वगैरह है, कॉर्नर है, तो इसलिए ये बहुत इसमें काफ़ी स्पेस है। तो इसके साथ ये तीसरा बेडरूम है, और प्राइस इसकी जो है बड़ी रीज़नेबल है इसके पॉइंट के लिहाज से। और ये सेपरेट इंडिपेंडेंट इसका ये अपार्टमेंट है, और इसका ये देखें जी, हर कमरे में इन्होंने सिटिंग के लिए सोफ़ा भी रखा हुआ, और ये कमरे से आपको बाहर के नज़ारे जो हैं ये सारे नज़र आ जाएंगे अभी यहाँ से। तो आप देखते हैं कि यहाँ फैमिली रहती हैं, फैमिली के लोग हैं सारे, बड़ी अच्छी गैदरिंग है। और इसकी मस्जिद भी वो सामने में देख रहा हूँ, ये आगे मस्जिद भी है मौजूद है, और बड़ी नज़ारेदार, बड़ी आउट क्लास ये जगह है। और ये तीसरा बेड है, बहुत खूबसूरत घर बनाया हुआ है इन्होंने, और बहुत मेंटेन किया हुआ है। और इसके साथ इसकी प्राइस में बता दूं तो 2,10,00,000 रुपए ये डिमांड कर रहे हैं, तो बार्गेनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह, आपको ज़फ़र रियल स्टेट वाले करवा के देंगे। तो हमेशा के लिए आप हम मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यह मरी से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर का फासला है दरिया गली, तो दरिया गली में अपार्टमेंट ये हमारे पास मौजूद है, बिजली पानी गैस पानी सारी सहूलतें यहाँ पे मौजूद है। तो जिस भी भाई को चाहिए वो दिए गए नंबर पे हमसे फौरन रابطہ करें। हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होते हैं, ज़फ़र रियल स्टेट वाले वही वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एनीवे और कोई वीडियो हम अपलोड नहीं करते, तो ये आप सवाल काइंडली ना किया करें कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये वो, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो अपलोड करते ही नहीं हैं। तो ज़फ़र रियल स्टेट वालों को हमारी कोशिश होती है कि व्यूवर्स के लिए हम अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आएँ और बेहतरीन से बेहतरीन व्यू लेके आएँ। तो आएँ चलते हैं, आपको बार व्यू की तरफ लेके चलता हूँ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता। तो आप इंशाल्लाह ताला बाकी कोई प्रॉपर्टी लेनी हो देनी हो तो आप इंशाल्लाह ताला हमसे रابطہ करें। तो ये देखें जी, ये व्यू है इसका, ये इसका अपना, ये देखें जी, ये टैंक रखा हुआ है सेपरेट, बहुत बड़ा टेरेस है इसका, ये पानी का टैंक है। और ये आपने देखा होगा कि कैसा ज़बरदस्त इंतज़ाम है, ये गीज़र लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक गीज़र उन्होंने लगाया हुआ है, और साथ गैस का पॉइंट भी है, गैस पे भी आप चला सकते हैं। तो इसके साथ ये देखें जी, ये नज़ारे देखें जी, बहुत नज़ारेदार जगह है, घरों में ये घर है, फ्लैट है, फ्लैटों में, ये नहीं कि कोई अकेला नहीं है। ये वो नो रोड है जो मैं उधर से आपको कहा था कि नीचे आ रहा है, ये नीचे तक रोड जा रहा है, ये सारी गाड़ियाँ जाती हैं नीचे तक। तो वो रोड वो क्लियर हो जाएगा 4-5 दिन में, तो बंदे आपके सामने मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं। तो जिस भी भाई को चाहिए वो दिए गए नंबर पर हमसे रابطہ करें, बेचने और लेने के लिए ख़रीदारी के लिए हमसे رابطہ करें, और हम इंशाल्लाह ताला हाज़र है, आपको लेके देंगे चीज़ें। और इसका काफ़ी बड़ा ये देखे टेरेस है, यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं, मौसम काफ़ी वगैरह आप ले सकते हैं। तो अब इजाज़त दें ज़फ़र रियल स्टेट का, और जाते जाते हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफ़ा ज़रूर आप भेजें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर, और ज़फ़र रियल स्टेट वाले आपके लिए बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी चीज़ें लाते रहते हैं। आप देखें कि काफ़ी वसी अपार्टमेंट है, 6 मरले का ये अपार्टमेंट है, और बड़ी मुनासिब प्राइस में है ये, और सारी चीज़ें यहाँ मेंटेन की हुई हैं, और फर्निश है। तो ये तकरीबन उन्होंने तो फाइनल कहा था, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि 19-20 का फर्क हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। स्टेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इफ यू नीड मोर प्रॉपर्टी वीडियोज़।